देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत। राजगढ़ राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शासन मनसानुसार देश भर में स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत अभियान का कार्य जारी है। इसी तर्ज पर जिला कलेक्टर सुश्री निधि निवेदिता स्वच्छता कार्य के प्रति कड़ी मेहनत, लगन व सशक्त रवैये के साथ लगी हुई हैं, ताकि वर्ष 2020 के सर्वेक्षण में राजगढ़ जिले को गंदगी मुक्त कर प्रथम पंक्ति में पहुंचा सके, जिसके लिए दिन रात कार्यरत हैं। तो वहीं जिले के कर्मचारी अधिकारी भी इस अभियान में तीव्रता के साथ कोई कमी कसर छोड़ते नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसका परिणाम छापीहेड़ा नगर परिषद की टीम द्वारा किए गए प्रयास धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। छापीहेड़ा नगर परिषद द्वारा बस स्टैंड पर स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वच्छता को लेकर अधिकारी वर्ग कितने तन्मयता के साथ कार्यरत हैं। नगर के इस सुलभ कॉम्प्लेक्स की स्वच्छता, साज सज्जा व सफाई व्यवस्था को देखकर लगता है कि वाकई ही परिषद के अधिकारी व कर्मचारी नंबर वन पर कार्यरत हैं, क्योंकि नगर परिषद के द्वारा इसके सौंदर्यीकरण के साथ साथ प्रमुख गली, मोहल्ले, चौराहे स्वच्छ नजर आने लगे हैं। तो वहीं नगरवासी भी कचरे को घरों में एकत्रित कर व्यवस्थित ढंग से कचरा गाड़ी में डालकर सहयोग कर रहे हैं। वहीं मुख्य मार्गों की दोनों टाइम साफ सफाई की जा रही है, जिससे नगर में सुंदरता, साफ सफाई व स्वच्छता दिखने लगी है। नगर के इस बदलाव को देख परिषद के उपयंत्री महोदय ब्रजेश उपाध्याय से बात की तो बताया कि हमने भी एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाया है, जिसका छोटा सा परिणाम आपके समक्ष है। अभी तो ये शुरुआत है, इस अभियान के कार्य में हम और हमारी परिषद की पूरी टीम हर गली मोहल्ले की सफाई के लिए लगे हुए हैं, और हमारा प्रयास है कि नगर से गंदगी मिटाकर स्वच्छता स्थापित करना, ताकि 2020 में सर्वेक्षण के दौरान कलेक्टर महोदया की सोच अनुसार हमारा राजगढ़ जिला तो प्रथम आए ही सही, पर जिले में भी हमारा छापीहेड़ा नगर परिषद नंबर वन पर आए। इसी आशा उम्मीद से हम और हमारी पूरी टीम काम कर रहे हैं। वार्ता के दौरान उपाध्याय ने बताया कि आप लोगों को भी कोई कमी कसर दिखे तो हमारी नगर परिषद की टीम का मार्गदर्शन कर और बेहतरी के लिए सुझाव प्रेरित करें, जिसके अनुसार हम और अच्छे से कार्य कर सकें और लक्ष्य तक पहुंचें। और हमारे जिले की कलेक्टर महोदया का जिस लक्ष्य से प्रयास जारी है वो सफल हो और हमारा जिला प्रथम पायदान पर पहुंचे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में प्रदेश उपाध्यक्ष नगर परिषद और स्वच्छता के अंतर्गत विगत 3 वर्षों से नगरीय क्षेत्र में ये अभियान सा चल रहा है, जिसमें कि प्रत्येक नगर परिषद को हर यूएसपी को शामिल किया गया है, जिसमें 3 स्टार, 1 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार तक की रैंकिंग दी गई है, जिसमें विशेष रूप से ODF प्लस, ODF डबल प्लस। तो आज हम ODF प्लस की ओर छापेड़ा को ले जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से स्वच्छता के अंतर्गत इसको हमने एक विशेष टॉयलेट के रूप में चिन्हित किया है और आने वाले टाइम में भी इसको इसी तरह से यहाँ का जो छापेड़ा बस स्टैंड का जो शौचालय है कॉम्प्लेक्स यहाँ किस तरह से इन्हें तैयार किया है आइए। ये हमारे जैसे बाज बेसिन हमने बच्चों के लिए बाज बेसिन एवं बड़ों के लिए यहाँ पे डिटॉल होना चाहिए। हैंड वॉश के बाद में उसमें अपना मिरर और एयर फ्रेश के लिए ओडोनिल वगैरह, उसके साथ हमारा नेपकिन वगैरह, ये जो परमानेंट हम इसकी व्यवस्था करेंगे, उसके साथ साथ हर उसमें डस्टबिन होना चाहिए हर शौचालय में और चिन्हित होना चाहिए पुरुष। उसके अलावा इसमें प्रत्येक उसमें नगर में हमने कम्युनिटी टॉयलेट बनाया है अभी रामपुरे बालाजी के नजदीक, जो कि 2 सीटर हमारे महिला के, 2 सीटर पुरुष के हैं, और आने वाले समय में हम और भी स्थलों को चिन्हित कर रहे हैं और ODA प्लस के साथ साथ हम MRA प्लांट भी बना रहे हैं, फीकल स्लज भी बना रहे हैं, जिससे प्रत्येक वार्ड वासियों को जो कि सेप्टिक टैंक की गंदगी नालियों में नहीं गए
और उस फीकल स्लज के माध्यम। खबर समय जगत के लिए राजगढ़ से ब्यूरो चीफ मुकेश बैरागी की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।